रिवाइंडिंग ऑफ द सीलिंग फैन, बताओ फिर क्या क्या है इसमें? सर इसमें रनिंग वाइंडिंग होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है सर। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग कौन सी है, हाथ लगा के बताओ। सर रनिंग है ये और स्टार्टिंग ये वाली। अच्छा, बाहर वाली रनिंग है, अंदर वाली स्टार्टिंग है। तो कितने स्लॉट्स हैं रनिंग वाले में? रनिंग में 12 स्लॉट है सर। और स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग में? सर 12 है उसमें। ठीक है, और ये क्या है? सर ये रोटर है। रोटर कौन से टाइप का है ये? सर स्क्विरल स्क्विरल केज इंडक्शन टाइप है। ठीक है ठीक है, ये रोटर आ गया। यही मशीन है जिसमें रोटर बाहर है, बाकी जितनी मशीन है उसमें रोटर अंदर रहता है। ठीक है, आगे बताओ। सर इसमें स्टार्टिंग में सर इसका ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और इसका वो बनाओ, वो डायग्राम बनाओ इसकी वाइंडिंग के, इधर इधर। नहीं नहीं ये नहीं यार। ठीक है, तो ये जो बाइंडिंग है आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग और रोटर बाइंडिंग में से एक कॉमन निकालना पड़ेगा, है ना? एक कॉमन कहाँ से निकाला आपने बताओ? सर ये स्टार्टिंग का कॉमन लिया ये। हाँ, और ये रनिंग का। ठीक है, यहाँ से आपने ये वाला पॉइंट यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद जो मेन वाइंडिंग है कौन सी है इसमें? ये बाहर वाली मेन है ना, जी सर। तो उसका दूसरा कोना कहाँ पे जोड़ दिया आपने? सप्लाई के साथ। और ये कौन सी है? सर रनिंग स्टार्टिंग। स्टार्टिंग वाले में आपने कैपेसिटर जोड़ा है ना? जी सर। ठीक है ना, कैपेसिटर कहाँ जोड़ोगे बताओ? सर कैपेसिटर जोड़ेंगे स्टार्टिंग की सीरीज। जोड़ो जोड़ो कैपेसिटर, पहले ये जोड़ना तो पड़ेगा ना सारा, बाहर से जुड़ेगा ना। सर प्रैक्टिकल सर ये हमने लिया कॉमन, ये रेड कलर की, यहाँ से हमने कॉमन लिया स्टार्टिंग में और रनिंग में। ठीक है, और ये सर हमारी है स्टार्टिंग की, और ये रनिंग का दूसरा एंड। सर हमारे ये स्टार्टिंग में कैपेसिटर जुड़ेगा और एक सप्लाई मेन में जुड़ेगी। ठीक है सर, ये पूरा ठीक है, पहले जोड़ो आप फिर चलो। फिर से ऑफ करो। ठीक है, ओके। रिवर्स पावर। सो इसे टर्न फिट है ना, ये टर्नों के लिए है। साइड वाला क्या है? एक से 14 में बंद हो जाएगा। हाँ, एक कट मारेगा। 117 पहुंच गया। हाँ, उसका काउंट ले लेता ना चक्करों के साथ। ये तो घूमता है।